नमस्ते दोस्तों, मैं यूसुफ खान इस्माइल खान टांक ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा सवाल है कि क्या हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं? कैन वी चेंज अवर नेचर? ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि सिर्फ 5 मिनट में या किसी एक घटना से आप अपना स्वभाव आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन स्वभाव बदलने के लिए पहली शर्त यह है कि हम कौन सी चीज़ बदलना चाहते हैं, कौन सी चीज़ बदल सकते हैं। तो उसका सीधा साधा जवाब ये है कि वो चीज़ जो हम गलत समझते हैं या हम समझते हैं कि ये सही नहीं है। अब ज़्यादातर लोग, तकरीबन 90% से भी ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि उनका जैसा भी नेचर है, अब चाहे उनके नेचर के बारे में कुछ भी कह लें, 10 गलतियाँ उनके नेचर में, उनके स्वभाव में बता दें, लेकिन वो एक भी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को सही मान रहा है, उसे एक भी गलती अपने स्वभाव में नज़र ही नहीं आ रही है, तो वो क्या बदलेगा? तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ हमें ठीक लगती है, माने हम सोचते हैं कि ये चीज़ सही है, तो उसको हम क्यों बदलेंगे? इसलिए बदलेंगे, कोई रीज़न भी नहीं बदलने का। तो नेचर बदलने की, स्वभाव बदलने की पहली जो प्रोसेस है वो ये है कि हम ये माने कि ये हमारा जो स्वभाव है, इसमें ये चीज़ें हैं वो हमारे स्वभाव में सही नहीं है, गलत है। जिस दिन, जिस वक्त आप ये मानना शुरू करेंगे कि ये मेरे स्वभाव में गलती है, तो ही आप उसे सुधारने की या बदलने की कोशिश करेंगे। यू गेट माय पॉइंट? सिंपल सी बात है, स्वभाव इसलिए नहीं बदलता क्योंकि हम उसे सही समझते हैं, गलत समझते ही नहीं हैं। अब जिस दिन आप गलत समझेंगे और आपको लोग, ज़्यादातर लोग आप जिनसे मिल रहे हो ये बता रहे हैं कि आपके स्वभाव में ये गलती है, तो जनाब मान लीजिए, कुछ तो मान लीजिए कि भाई ये गलत है, चलो इसमें मैं कुछ सुधार करूँगा। लेकिन नहीं, हम यही समझते हैं कि यार मैं तो सही हूँ, मेरे में कोई ऐब ही नहीं है। अगर ऐब नहीं है तो आप क्या सुधार करेंगे? तो पहली बात है, आप अपनी गलती को माने, मतलब स्वभाव में ये गलती है, उस चीज़ को समझें। तो अगर आपने ये समझना शुरू किया कि ये मेरे स्वभाव में गलती है, तो विद इन 5 मिनट्स आप अपना स्वभाव या अपनी ये स्वभाव की ये गलती बदल सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, अपने स्वभाव में ये गलती है उसे मानना शुरू करें। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि काफ़ी लोग हैं वो किसी भी जगह जाने में लेट करते हैं, आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, उससे भी ज़्यादा लेट। लोग उनसे थके हुए हैं, उनसे बार बार कंप्लेन कर देंगे, तुम टाइम पे आया करो, अब हर जगह लेट आते हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं सही हूँ, ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो अपना नेचर चेंज नहीं करता क्योंकि उसे सही लगता है। लेकिन याद रखें कि एक घटना, लेट पहुँचने की अगर एक घटना उसका जीवन बदल देती है, उस एक आधे घंटे से या इवन 5 मिनट से भी उसे अपना कोई स्वजन गुमाना पड़ा, कोई इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम में उसे एडमिशन नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली, तब क्या होगा? सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट टाइम से, उसी टाइम से वो अपना ये लेट आने वाला स्वभाव जो है बदल देगा। कैसे बदला? ठोकर लगने से, गलती मानने से, गलती हुई ये देखने से। तो आप ऐसे हजारों एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं कि जहां आप अपनी गलती को मानेंगे स्वभाव में, कि मैं लेट, कहीं पे लेट पहुंचता हूं, मेरे स्वभाव में आलस है, मैं ज़्यादा झूठ बोलता हूं। झूठ बोलने से जब तक आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, आपको लगता है मज़ा आ रहा है, लेकिन जैसे ही एक झूठ से आपका नुकसान हुआ, आपका कीमती कोई चीज़ चली गई, कुछ भी, एक रिलेशन टूट गया झूठ बोलने से, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्या होगा?
दूसरे ही पल आप झूठ बोलना छोड़ देंगे। तो ये मानना गलत है कि स्वभाव नहीं बदल सकते। मित्रों, स्वभाव बदले जा सकते हैं, सिर्फ ये मानना जरूरी है कि ये चीज़ स्वभाव में गलत है, और ये गलती अगर मैं मान लूँ तो शायद फ्यूचर में इस स्वभाव के चलते मुझे नुकसान ना हो। आलस करने से, कहीं लेट जाने से, झूठ बोलने से, अप्रमाणिक होने से, करप्शन करने से लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन तब तक वो स्वभाव नहीं बदलते तब जब तक उनको नुकसान नहीं होता। तो याद रखें मित्रों, नुकसान का वेट ना करें, अपना स्वभाव अगर कुछ गलत है तो बदलें। थैंक यू वेरी मच। मेरी YouTube चैनल 24/7 इंग्लिश को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। आभार।